नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय महाकाल लिखे, जिससे आपको महादेव का आशीर्वाद मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। है जो महाकाल का भक्त नहीं है, डमरू वाले का भक्त नहीं है। महाकाल की कृपा से यह संसार चल रहा है और महादेव की कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर आ जाए तो उसके काल का भी क्या है, वह भी महादेव को सलाम करता है, वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा पूरे दोस्तों से। तो दोस्तों, आपको इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस बार जो 6 जुलाई से सावन माह शुरू हो रहा है, आपने घर के अंदर लेके आनी है चीजें, ताकि आप देखेंगे कि कितना प्रभाव के जीवन पर पड़ने वाला है। दोस्तों, देवाधिदेव महादेव की आराधना का पावन मास सावन का आगमन 6 जुलाई से होगा। इस मार सावन का प्रारंभ और समापन दोनों ही सोमवार को है, बहुत ही खास योग बन रहा है। वैसे तो सभी दिन भगवान के हैं, लेकिन बाबा भोलेनाथ को सोमवार अति प्रिय है, इसलिए भक्त सोमवार की आराधना और दर्शन कर अधिक महत्व प्राप्त करते हैं। इस बार सावन मास में ही शक्ति से शुभ योग बन रहा है, जिसमें सावन मास की शुभता अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों, आप इस महामारी से उब चुके हैं और चाहते हैं कि इस महामारी का अब नाम नहीं सुनना और चाहते हैं कि भोले की पूर्ति अंत मग्न रहना, तो आपकी इस वीडियो को पूरा देखना जरूरी है, ताकि आप जान पाएंगे कि भोलेनाथ की महिमा का आप पे जीवन के अंदर कैसे योग बना रहे हैं। दोस्तों, इस बार सावन में यह योग और ग्रह नक्षत्र के आधार पर समाक्षम बारिश के योग बन रहे हैं। इस बार सावन माह इस 6 जुलाई से प्रारंभ होकर 3 अगस्त तक रहेगा। 3 जुलाई को सावन के अंतिम दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाएगा, इसलिए बहुत ही खास है। दोस्तों, इस दिन मौनी पंचमी, मंगला गौरी व्रत और प्रदोष 18 जुलाई को, 20 जुलाई को हरियाली अमावस्या, मतलब पूरा करके यह सावन का महीना आपको माला माल बनाने के लिए है। इस सावन माह में 11 स्वास्थ्य सिद्धि, 10 सिद्धि योग और 12 मृत्यु योग और अमृत सिद्ध योग रहेंगे। दोस्तों, आपको आज बताने वाले हैं कि सावन मास शुरू होने से पहले अपने घर के अंदर लेकर आ जाइए चीजें, ताकि आपके घर परिवार के अंदर कभी भी नहीं रहेगी किसी चीज की कमी। दोस्तों, भगवान शिव की आराधना कर खास दिन माने जाते हैं, उनकी पूजा अर्चना से कई लाभ प्राप्त होते हैं। और दोस्तों, अगर आप सावन के दौरान घर के अलग अलग हिस्सों में 8 चीजें रखती हैं और 8 चीजों के अपने घर के अंदर लेकर आ जाती हैं, तो समझ लीजिए कि भोलेनाथ के आगमन आपके घर के अंदर होगा। आपके दुखे दुविधा, घर की कमी, पारिवारिक कला, इन सारी चीजों से छुटकारा मिलने वाला है और हर काम के अंदर आपको दोगुना फल प्राप्त होने वाला। दोस्तों, बात करते हैं पहली चीज भस्म की। भगवान शिव की सबसे प्रिय वस्तु में से एक है भस्म। सावन मास के दौरान घर के मंदिर में शिव मूर्ति के पास अवश्य रखना चाहिए गंगा जल। दोस्तों, भस्म भगवान शिव की सबसे प्रिय वस्तु के अंदर मानी जाती है। भस्म को आप सावन के पहले अगर भस्म से भस्मान शिव के स्नान करवा देंगी, तो समझ लीजिए कि आपके द्वारा जाने अनजाने में के पापों से आपको ऐसे ही मुक्ति मिल जाती है। और भगवान शिव को भस्म प्रिय है, इसलिए आप भगवान शिव की मूर्ति के पास संपूर्ण सावन के दिनों में से जरूर रखना चाहिए। दोस्तों गंगा जल को भगवान शिव ने अपनी जटाओं के अंदर स्थान दिया है और भगवान शिव की जटाओं से गंगा निकलती है, उसके बाद भगवती संपूर्ण हिंदुस्तान के अंदर जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप, कहा जाता है कि गंगा जल की रसोई घर रखने से सभी प्रकार की लाभ की प्राप्ति होती है, तो आपको क्या करना है, इस सावन पवित्र गंगा जल अपने घर के अंदर मौजूद है तो बहुत ही अच्छा है। और अगर चांदी का पात्र होता है उसके अंदर गंगा जल रखते हैं तो उसकी तो होर ही नहीं है। अगर आप सागर के किसी बर्तन के अंदर गंगा जल भर के भगवान शिव का पहला अभिषेक गंगा जल से करें, उसके बाद उसी गंगा जल को अपनी रसोई के अंदर रख दें, तो समझ लीजिए यह सावन मास आपको माला माल बनाने वाला है। दोस्तों, अगली चीज है रुद्राक्ष। कहा जाता है कि भगवान शिव के आंसुओं के बूंद से रुद्राक्ष का जन्म हुआ है। रुद्राक्ष का जन्म होकर इसी घर के अंदर, दोस्तों, घर के
मुखिया के कमरे के अंदर रखने से कई प्रकार के लाभ प्राप्त होती है। तो आपको क्या करना है, सावन मास के अंदर आप एक रुद्राक्ष पूरी रुद्राक्ष की माला लेकर आए, या फिर क्या करें कि पूरे सावन मास के अंदर भगवान शिव के सरो की एक रुद्राक्ष मात्र रखते हैं। और अगर आपके जीवन के अंदर धन की कमी है, मुखिया अगर कमाने के प्रयास करता है लेकिन उसके धन अचानक कागज से चला जाता है, आपके बुरे दोस्त है, तो पूरे सावन मास भगवान शिव के साथ रुद्राक्ष की पूजा करें और सावन के अंतिम दिन 3 अगस्त को उस रुद्राक्ष का धारण करें। बड़े से बड़ा कष्ट आपके जीवन के अंदर से चला जाएगा और आपको फायदा प्राप्त होगा और महाकाल की असीम कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिलती है। दोस्तों अगली चीज बात करें तो पानी से भरा तांबे का लोटा। घर के जिस हिस्से में घर के सदस्य सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, आपको क्या करना है कि भगवान शिव भोलेनाथ को इस सावन महीने के अंदर भगवान शिव को जल अर्पित करना है। मात्र जल अर्पित करें, उसके बाद उनके चरणों का जल अपने पिलौठी के अंदर इकट्ठा कर लेना है और तांबे का लोटा होना चाहिए। उस लोटे के अंदर इकट्ठा करके आपको कम से कम इस सावन माह के पहले दिन आप कर ले, उसके बाद पूरे सावन मास को तांबे को लोटे को जल को अपने घर में परिवार के सदस्यों को सबसे ज्यादा समय बिताते हैं वहां पर आप उस लोटे को रख दें। आपसी प्रेम बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा और आपके संपूर्ण परिवार के ऊपर कोई भी तरह का कष्ट नहीं आता है। दोस्तों डमरू, घर के बच्चों के कमरे के अंदर अगर डमरू रखने से आपके बच्चों पर किसी तरह का कोई निगेटिव ऊर्जा का असर नहीं पड़ता है। दोस्तों अगर आपकी आपके छोटे बच्चे हैं उनको यह समस्या हो रही तो आपको ये जरूर करना है। पहली समस्या कि बड़े हो चुके हैं, थोड़े बड़े हो चुके हैं लेकिन बिस्तर के अंदर ही पेशाब करने की आदत उनकी नहीं जा रही है, या फिर आपके बच्चे स्वप्न में अचानक डर जाते हैं, बुरे स्वप्न आते हैं, रात्रि में अचानक उनकी नींद टूट जाती है तो या फिर बच्चे पढ़ाई के अंदर कमजोर हैं, तो इस सावन महीने के अंदर ही आपके बच्चों के कमरे में डमरू रखने का प्रभाव आप देखेंगे कि किस प्रकार की निगेटिव ऊर्जा का असर उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। उनके साथ ही बच्चों के हर काम के अंदर उनको अचानक सफलता प्राप्त होने लगती है और आप स्वयं देखेंगे कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन महाकाल है तो आपके जीवन के अंदर कोई कष्ट नहीं है, आपके जीवन के अंदर सारी चीजें अपने आप ही बनने लगेगा। दोस्तों अब बात करते हैं अगली चीज। दोस्तों अगर आपको अचानक कोई बुरी स्वप्न आते हैं और आप चाहते हैं उस सपने से आपको छुटकारा मिल जाए, और आप कोई गाड़ी चलाते हैं तो कोई आपको दुर्घटना का भय रहता है, रोड पे आते आपको डर लगता है किसी तरह का आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, या फिर आपको अचानक से चक्कर आना, या फिर किसी दौरे आना, या फिर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, या फिर आपके ऊपर किसी तरह का नकारात्मक संदेह का प्रभाव पड़ता है, तो दोस्तों आपके सावन के महीने में घर का जो मुख्य होल होता है, घर के मुख्य होल में चांदी या तांबे का अपने श्रद्धा अनुसार एक त्रिशूल लाएं, छोटा भी लाएं और बड़ा कैसा भी लाएं, उसके मुख्य होल में आपको इसे लगा दें। घर के अंदर की नकारात्मक शक्ति आपसे कोसों दूर चल जाएगी और आप वाहन चलाते हैं तो वाहन के अंदर आप इसे स्थापित कर देना चाहिए, अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से आपको मुक्ति मिल जाती है और आपके जीवन के अंदर कभी भी कोई कष्ट नहीं आता है। दोस्तों इसी तरह तांबी या चांदी की नंदी। दोस्तों जिस घर प्रकार में गाय रखने का एक अलग ही महत्व होता है, घर के अंदर गाय गांव से योग बनाती है, इसी तरह से आपके काम आसानी से सफल होते हैं, आपको कोई भी कष्ट नहीं आती है, आपके कार्यों के अंदर किसी भी तरह का कोई विघ्न नहीं पड़ता है, तो आपको क्या करना चाहिए कि चांदी या तांबे के नंदी और गाय रखने का महत्व बहुत ज्यादा होता है, तो आपको क्या करना चाहिए कि घर के अंदर या फिर चांदी या तांबे की नंदी लाए या उसे अपने घर की अलमारी या तिजोरी में रख दे, इससे आपके घर के अंदर अचानक से धन वृद्धि होने के योग बढ़ जाते हैं। और सावन के महीने में आप लाके रखिए, आपको कितना फायदा प्राप्त होता है जिसके लिए आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह अगर आपके ऊपर काल पितृ दोष हावी है, आपके ऊपर काल सर्प दोष हावी है, आप चाहते हैं कि बुरी शक्तियों से आपको छुटकारा मिल जाए, तो आपको क्या करना है कि सावन के महीना लगने से पहले ही आपको एक तांबे या चांदी का नाग बनाना है और नाग को बनाकर आपको शिव मंत्र ओम नमः शिवाय और अपने हाथ के अपनी हथेली के अंदर उस नाग को रखकर आपको 108 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करके आपको क्या करना है, ये अपने
घर के मुख्य द्वार के आसपास इस तांबे या चांदी की तांबे के इस नाग को रख दें तो समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर दोस्तों बुरे कष्ट आने समाप्त हो जाएंगे और आप स्वयं देखेंगे कि आपको इससे कितना फायदा प्राप्त होता है। क्योंकि दोस्तों ऐसे सावन का महीना ही खास और आपके सारे कार्यों को बनाने के लिए दोस्तों सावन के महीने के अंदर आप जैसा चाहते हैं जैसे अन्य उपाय देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि संपूर्ण सावन के महीने की जानकारी आपको कहीं प्राप्त होगी तो इसी चैनल के ऊपर आपको प्राप्त होगी। और वास्तव में आपका काम न बने तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय महाकाल लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।